पिछले कुछ महीनों से, मैं तो बोलूँगा कुछ सालों से, दाऊद इब्राहिम गैंग थाना एरिया में एक्टिव थी, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमारे कमिश्नर साहब को मिली। उन्होंने मुझे एंट्रस किया कि तुम ढूंढ के निकालो कौन कौन लोग हैं जो यहाँ के बिल्डर्स ज्वेलर्स इनको परेशान कर रहे हैं, एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। तो मैं और मेरे साथियों ने, मेरी टीम ने रैकेट का पर्दाफाश किया। दो लोगों को पहले अरेस्ट किया, बाद में मालूम पड़ा कि इनका सरगना इकबाल कास्कर है। तो हम लोग कल शाम को 8-8:30 बजे यहाँ से निकले। स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशन था, किसी को, हमारे इवन स्टाफ को भी ये खबर नहीं थी कि हम किसको पकड़ने जा रहे हैं। जब हम नागपाड़ा पुलिस स्टेशन के पास पहुँचे तब तक भी किसी को खबर नहीं थी। हम लोग आगे बढ़े, जहाँ हसीना पार्कर रहती है वहाँ ये इकबाल कास्कर रह रहा था, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको थी। हम लोगों ने वो वेरीफाई किया कि उस समय वो घर में है कि नहीं, क्योंकि अगर वो नहीं मिलता तो आगे न जाने क्या होता। तो हम लोग गए वहाँ, वेरीफाई किया, वो घर में खाना खा रहा था। मैं और मेरी टीम मेंबर्स गए। अभी मेरा चेहरा देखते ही सरेंडर हो गया वो, कि सर मैं खाना खा लूँ फिर आपके साथ चलता हूँ। चेहरे में कितना खौफ था जिसके चलते वो सरेंडर हुआ, अब ये तो वो ही बताएगा। सर एक आखिरी सवाल, काफ़ी सारे मुश्किलें उसके बाद कमबैक, वो भी इतना बड़ा कमबैक। ये मेरे लिए एक नॉर्मल केस है, इससे बड़े बड़े केसेस मैंने ओपन किए हैं। 1999 में खंदार हाईजैकिंग हुई थी, नेपाल से IC-814 हाईजैक हुआ था। उसके जो टेररिस्ट थे, 5-6 टेररिस्ट थे अफगानिस्तानी पाकिस्तानी मसूद अजहर के, उनके जो बैकअप टीम थी उनको मैंने यहाँ अरेस्ट किया था। तो नेचुरली वो इससे बड़ा मेरा ऑपरेशन था। 2003 में 3 पाकिस्तानी लश्कर ए तौबा के टेररिस्ट मैंने पुलिस ऑपरेशन में न्यूटिलाइज किए थे, वो भी इससे बड़ा ऑपरेशन था। ये तो मैच मीडिया ने गैंग को बड़ा बना दिया है, ऐसा मेरा मानना है। नहीं तो इकबाल कास्कर को पकड़ना मतलब बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, कोई भी जा सकता है उसको पकड़ सकता है। सर एक आखिरी सवाल, क्या कहेंगे कि अब अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम पर जो थ्रेट दिया जाता है, तो जो भी थ्रेट आता है ऐसे में डरने की जरूरत नहीं है, आप क्या लोगों से अपील करेंगे कि कुछ कंप्लेन आता है तो पुलिस को फौरन इसके बारे में बताए? मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, दाऊद इब्राहिम गैंग या दूसरी कोई भी गैंग हो, कहीं भी व्यापारियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, ज्वेलर्स को, अलग अलग सोसाइटी के जो लोग हैं उनको अगर परेशान करती है, उनसे पैसा एक्सट्रॉट करने की कोशिश करती है, तो नियरस्ट पुलिस स्टेशन जाएं। पुलिस इनको टैकल करने में एकदम सक्षम है, पुलिस उनकी हिफाजत का पूरा ध्यान रखेगी, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखेगी, उनके नाम डिस्क्लोज नहीं करेगी। पुलिस चाहती है कि अंडरवर्ल्ड को जड़ से ही उखाड़ फेंक दिया जाए। इसी का एक नमूना है कि दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया।